गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ ऋचा तिवारी और मैं आपके सामने एक नए ब्लॉग के साथ हूँ। इस ब्लॉग में क्या खास है? इस ब्लॉग में खास है कि आज हम अपने पास के एक रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, छोटा सा ना, छोटा है ना, बहुत बड़ा है, ठीक है। और अभी हम हैं हासीमारा में। हासीमारा जो वेस्ट बंगाल में है। अगर आपकी पोस्टिंग आई है या फिर आप आने वाले हो, ऐसे लोगों के लिए एक हेल्पफुल वीडियो रहती है ये मेरी। वीकेंड पे मैं जहाँ भी जाती हूँ, इस एक वीडियो के थ्रू मैं आपके लिए कुछ दिखाने की कोशिश करती हूँ, ताकि अगर आप यहाँ पे आए हुए हों या फिर आने वाले हो, तो आपकी एक हेल्प हो जाए इस वीडियो के थ्रू कि आप उसका मैं रिव्यू और मैं बताती हूँ वो प्लेस कैसा है। तो अगर आपको ऐसे ये वीडियो अगर आपको पसंद आए, तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट और प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको कोई सजेशन हो तो वो भी बताइएगा। तो अभी हम आ गए हैं हासीमारा से। ये आने में ये अलीपुर द्वार जो जाते हैं ना, उसी रोड में आएगा आपका जिम्स होटल है। ये जिम्स रेस्टोरेंट है, नॉट होटल नहीं है, छोटा सा नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है। यहाँ इसके आसपास के कुछ ऐसा एरिया दिखता है, काफ़ी बड़ा सा है। पार्किंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यहाँ पर मुझे लग रहा है 20 से 30 गाड़ी आराम से लग जाएगी। ये देख रहे, पार्किंग का बहुत प्लेस है। और ये जो है, आएंगे कैसे, ये अलीपुर द्वार का जो डिस्ट्रिक्ट, अलीपुर द्वार जो स्टेशन जाते हैं, उसी रास्ते में ही आएगा आपका। तो ये देखे, सबसे पहले हम अंदर गए, हमने एक छोटा सा कितना प्यारा सा हिबिस्कस का फूल देखा, जो बहुत ही सुंदर लग रहा था। ये तो खैर क्या बोल सकते इस फूल के बारे में, इसकी खूबसूरती के बारे में कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ। देख रहे, डबल सेडेड फूल है ये। और उसके बाद जैसे हम आगे जाएंगे, कुछ ऐसा दिख रहा है ये। और इसके बगल में आपका वॉशरूम है। ये इनका जो वॉल है इस होटल के बाहर, ये वॉशरूम है। ये देखिए, वॉशरूम के गैलरी में कितने सुंदर फ्लावर लगे हुए थे। एक्चुअली अभी स्प्रिंग सीजन चल रहा है ना, स्प्रिंग सीजन में पता ही है आपको कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स अभी सारे के सारे अभी खिलते हैं। तो ये देखिए, कुछ ऐसा लगा हुआ था, ये इतना सुंदर लग रहा था, कलरफुल, कोई रेड, कोई ब्लू, कोई डबल सेडेड, कोई वाइट, आप देख पा रहे होंगे वीडियो में। एक्चुअली मुझे फूलों से बहुत लगाव है, फूल, नदी, पहाड़, पर्वत, मुझे बहुत अच्छा लगता है। नेचर जो हमें दिया है ना, नेचर ने, हवा, पानी, जो फ्री में चीज़ें मिली हैं हमें, उससे कीमती मुझे लगता है दुनिया में कुछ भी नहीं है। एक तो ये आपका नेचर हो गया और आपका हेल्थ, अगर आप हेल्दी हैं तो उससे ज़्यादा धनी आपके सिवा कोई नहीं है। भले आपके पास कितना भी पैसा हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है ना, तो सब बेकार है। तो अगर आप हेल्दी हैं तो भगवान का शुक्रिया कीजिए कि मैं ठीक हूँ, भगवान ने मुझे हेल्दी बनाया, हाथ पैर से, हर एक चीज़ों से। तो ये देखिए, ये भी एक बहुत सुंदर सा जस्ट ये एक प्लांट था, इसको हिंदी में कचनार बोलते हैं। बहुत ही सुंदर था ये, बहुत सारे इसमें फूल लगे हुए थे, पत्तियाँ बिल्कुल कम दिख रही थी। अभी ये स्प्रिंग सीजन में एक्चुअली आता है। ये देखिए, इसका एड्रेस मैंने आपको दिखाया, ये देखिए। अगर आप यहाँ पे घूमने के लिए भी आ रहे हैं या फिर ये वीडियो की उन लोगों के पास जा रहे हैं जो ट्रैवल करते हैं, तो आप इसमें स्टे भी कर सकते हैं। स्टे करने के लिए भी इनके पास बढ़िया प्लेस है। ये कुछ अंदर से ऐसे दिख रहा था, ये ऐसा दिखता है, बहुत ही सुंदर है। इनका जो अंदर का जो डेकोरेशन वगैरह है ना, वो जो भूटानी थीम के ऊपर है, बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये देखिए, इनके चेयर्स, टेबल्स, ये भूटान के राजा हैं, उनका ये तस्वीर है। ये सामने से कुछ ऐसा दिख रहा था, ये इनकी जो अंदर बहुत सुंदर आर्किटेक्ट जो इनका है ना अंदर का, बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही सुंदर, खूब खूब प्लेस है, खूब बिल्कुल अलग खुला खुला आपको मिलेगा खाने में। वहाँ पे बैठ के आपको लंच या डिनर सब कुछ मिलता है, नान शायद नहीं मिलता है। तो उसके अलावा आपको सब कुछ चाइनीज, भूटानीज, इंडियन, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, हर तरह का खाना आपको मिल जाएगा। और टेस्ट भी इनका अच्छा होता है, बहुत बढ़िया होता है। हम ऊपर आए तो हमने ये फ्लावर देखा, इसको बॉर्नविल बोलते हैं शायद, मेरी प्रोनाउंसिएशन बहुत ख़राब है, तो आप प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। और उसमें बहुत सारे वैरायटी थे, पिंक, डार्क पिंक, वाइट, ये ऊपर से कुछ ऐसा दिख रहा था, ये देखिए वाइट में था, ये वाइट में है। उसके बाद हम उन्हीं सीढ़ियों से फिर नीचे आ गए थे। ये ऐसे ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। और फ्रंट में ना
जैसे अंदर जाते हैं फ्रंट में थोड़ी सी फिश दिखते हैं, फिश अभी अभी मैं दिखाती हूँ। अब ये आ गया था, इसमें ना काफ़ी प्लेस, अगर छोटा मोटा बर्थडे पार्टी या एनिवर्सरी पार्टी करना चाहते तो आराम से कर सकते हैं। और ये यहाँ पर तक पहुँचने में आपको 18 से 20 मिनट लग जाएंगे। थैंक यू।